अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एंड्रॉयड फ्लैक्सी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये शायद आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि सैमसंग का गैलेक्सी S23 लगभग 45,000 के आसपास देखने को मिल रहा है और अभी तो बस 2-3 महीने बाद ही आपको बिग बिलियन डे भी देखने को मिल जाएगा और उस टाइम में ये फोन शायद 40,000 के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट एंड्रॉयड फ्लैक्सी स्मार्टफोन चाहिए तो S23 को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस फोन के बारे में बात करने वाला हूं, तो आप देखें टेक्निकल बॉक्स ही मैं हूं सोमोजित, सो लेट्स गो। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। जैसे कि फोन ने बहुत डाइट किया है क्योंकि फोन बहुत स्लिम है, ऐसे ही इसका बॉक्स ने भी डाइट किया है क्योंकि बॉक्स बहुत स्लिम है। यहाँ पर कोई भी चार्जर वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है, बस फोन देखने को मिलता है एक USB केबल और एक सिम एडाप्टर पिन, इससे अलावा और बस वही डॉक्यूमेंटेशन जो है वही देखने को मिलता है। कोई चार्जर नहीं, कोई बैक कवर नहीं, कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोन टाइप सी केबल और सिम एडाप्टर पिन बस। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट फोन है। हालांकि इसका जो फ्रेम है वो एक मेटल फ्रेम है, यहाँ पर हमको एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है। उसके बाद भी इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 168 ग्राम है और इसका जो डिस्प्ले और बैक पैनल है दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 से प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्शन के मामले में बहुत ही सॉलिड है। और इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा कर्व टाइप का है जिसलिए हाथ में बहुत ही कम्फर्टेबल फील होता है। ये फोन आपको 6 कलर्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फैंटम ब्लैक, क्रीम, ग्रीन, लेवेंडर, ग्राफाइट एंड लाइम। अगर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमको 6.1 इंच का एक डायनामिक एमोलेड 2x पैनल देखने को मिल जाता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz और एक LTPO पैनल है, मतलब इसका जो डिस्प्ले है उसका रिफ्रेश रेट स्विच कर सकता है फ्रॉम 24Hz टू 120Hz डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हैं फोन में। मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 30Hz के आसपास आपका फोन का डिस्प्ले काम करेगा और अगर कुछ स्क्रोल कर रहे तो वहाँ पर ये फोन 120Hz में शिफ्ट हो जाता है। और इसका पीक ब्राइटनेस है 1750 nits और इसका जो हाइब्रिड मोड में ब्राइटनेस आता है वो है 1200 nits जो कि बहुत ही ब्राइट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इवन इस फोन को अगर आप कड़कती धूप में भी इस्तेमाल करते हैं बहुत ही आसानी से सब कुछ विजिबल हो जाता है। एक फ्लैगशिप फोन है इसलिए HD10+ का सपोर्ट देखने को मिलेगा ही, लेकिन डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली सैमसंग का कोई भी डिवाइस में डॉल्बी विजन देखने को नहीं मिलता है, इनफैक्ट सैमसंग के टीवी में भी देखने को नहीं मिलता है। शायद डॉल्बी विजन के साथ सैमसंग का कोई तो चक्कर है, इसे देखने को नहीं मिलता है। एनीवे इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही पंची एंड कलरफुल आउटपुट देता है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले देखने को मिलता है। और जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है कैमरा वाला नहीं है, मतलब ऑप्टिकल सेंसर नहीं है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसके वजह से बहुत ही फास्ट एंड सिक्योर तरीके से आपका फोन को अनलॉक कर सकता है। सैमसंग ने इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर का पोजिशन बहुत ही सही जगह पर दिया है क्योंकि हमारा जो थंब है नेचुरली वहाँ पर ही लैंड होता है। और हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही है और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये फोन अभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ देखने को मिल जाएगा विथ OneUI 6.1 और इस फोन में अभी भी 3 साल के लिए एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेगा और 4 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और इस फोन में हर एक AI फीचर देखने को मिलता है जो कि S24 सीरीज में देखने को मिल जाता है, जैसे कि सर्कल टू सर्च, लाइव ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट इरेजर, टैप टू स्लो मोड वगैरह वगैरह। और इसका जो UI है बहुत ही फास्ट एंड क्लीन एंड स्मूथ UI आपको देखने को मिलता है, आपको कोई भी लैग जिटर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही फास्ट एंड रिलायबल UI है इसका। और एक सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है इसलिए कोई भी एप्स या फिर ब्लोटर्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ प्रीलोडेड एप्स देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग की तरफ से ही आता है क्योंकि अगर आप सैमसंग का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये एप्स आपके लिए काम में आ सकता है। और सैमसंग के फोन में तो फीचर्स की कोई कमी है ही नहीं और अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको गुड लक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और गुड लक के मार्च से आपका कस्टमाइजेशन लेवल नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। और हाँ, इस फोन में आपको सैमसंग का डेस्क का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई मॉनिटर या फिर टीवी है तो बहुत ही आसानी से आपका फोन को मॉनिटर या फिर टीवी से कनेक्ट करके आपका बहुत ही बड़े स्क्रीन में आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पर गैलेक्सी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है और यहाँ पर हमको EFS 3.1 या फिर EFS 4.0 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है क्योंकि इसका जो बेस बैंड है और 128GB का है। अगर आप 128GB के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको EFS 3.1 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप 256GB या फिर 512GB के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको EFS 4.0 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हमको 8GB का रैम देखने को मिलता है और ये रैम LPDDR5X रैम है। अंतु तुम्हें लगभग 1.5 मिलियन के आसपास स्कोर करता है, इससे आप अंदर लगा सकते कि ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है। और इसमें जब CPU 13 टेस्ट भी रन किया गया था बहुत ही क्लीन एंड ग्रीन ग्राफ आया था, मतलब ओवरहीटिंग का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम
नहीं है, इसीलिए डे टू डे लाइफ में तो बहुत ही मक्खन ज्यादा चलने वाला है। आप कोई भी ऐप ओपन कीजिए, कोई भी ऐप क्लोज कीजिए, आप फोटो खींचिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, कभी भी आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होने वाला है। अगर बात करें गेमिंग की तो बीजीएमआई में आपको 90fps का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और बहुत ही स्मूथ एफपीएस देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंट 70-80fps के आसपास आपको फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा छोटा फोन है इसलिए टेम्परेचर थोड़ा जल्दी गेन कर लेता है, लेकिन परफॉर्मेंस में ऐसे भी कोई हिट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये कोई गेमिंग फोन नहीं है क्योंकि एक कॉम्पैक्ट फोन है जिसमें इसका बैटरी बहुत छोटा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3900mAh का बैटरी, इसलिए आप कोई क्रेजी लेवल का बैटरी बैकअप इस फोन के साथ उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत ही सही बैटरी बैकअप दे जाता है। लगभग 5 से 6 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम फिर भी देखने को मिल जाता है। ये फोन 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और 15W का वायरलेस चार्जिंग। साथ ही साथ ये फोन आपके दूसरे डिवाइस को 4.5W पे रिवर्स वायरलेस चार्ज भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इस फोन में कोई चार्जर देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा और इसके चार्जर का प्राइस है लगभग 1400 rupees। और अगर बात करें कैमरा की तो यहाँ पर हमको 50+10+12 MP का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है और इसका आउटपुट माइंड ब्लोइंग है। बाय द वे, यहाँ पर हमको जो 50 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है और 10 MP का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, इस दोनों कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और जो 12 MP का अल्ट्रा कैमरा है वहाँ पर हमको कोई OIS देखने को नहीं मिलता है। आप जरा फोटो सैंपल्स देख लीजिए, कितना बेहतरीन फोटो खींचता है, बहुत ही बेहतरीन कलर के साथ क्या ही डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है। और शार्पनेस एक बार देखिए, कितना शार्प फोटो खींचता है, वो भी सिर्फ 50 MP के सेंसर से। और ये एक सैमसंग का फोन है इसलिए इसका कलर आउटपुट थोड़ा सैचुरेटेड एंड पंची देखने को मिलता है, ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर हमको 1x एंड 3x में पोर्ट्रेट फोटो लेने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसका पोर्ट्रेट फोटो एक बार देख लीजिए, कितना बेहतरीन तरीके से एज डिटेक्शन कर लेता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पोर्ट्रेट फोटो एक फोन को खींच कर दे देगा। और अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इसका जो मेन कैमरा है यहाँ से आप 8K में 24fps या फिर 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बाकी हर एक कैमरे से आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका जो मेन कैमरा है और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ये दोनों से आप 4K में 60fps में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हाँ, 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में आप तीनों कैमरे में लेंस स्विच कर सकते हैं। और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है, कितना बेहतरीन तरीके से डायनेमिक रेंज को मेंटेन करता है और एक्सपोजर को भी कितना बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर लेता है। आईफोन के बाद सैमसंग ही है जो सेकंड पोजीशन में आता है वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में। तो चलिए कंक्लूजन में चलते हैं। अगर आप कोई ऐसा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, मतलब कोई फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, तो ये फोन आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी कोई मेजर कॉन्स देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इसका बैटरी थोड़ा छोटा है, वो तो होना ही था क्योंकि ये फोन बहुत कॉम्पैक्ट फोन है। लेकिन चार्जर बॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलता है और इसका जो चार्जिंग सपोर्ट है वो भी सिर्फ 25W का ही है, इसलिए चार्जिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके अलावा इसका जो कैमरा है बहुत ही सॉलिड आउटपुट देता है, उसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है और परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल है ही। तो इसीलिए अगर आप कोई ऐसा फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो सैमसंग का S23 को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और साथ कमेंट में बताइए कि फोन को कैसा लगा। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जब भी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।